पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इस योजना में आपको फ्री बिजली प्लस गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 रुपीस तक की सब्सिडी दी जा रही है। यानी अगर आप अपनी लोकेशन पर सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो उसमें जो भी खर्चा आएगा उसका 78,000 रुपीस तक का आपको सरकार की तरफ से मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पीएम सूर्य घर योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे वो आप यहां पर भी लिखे हुए देख सकते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां पर अपना स्टेट चूज करेंगे, इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेम चूज करेंगे, आपके घर पर बिजली किस कंपनी से आती है। इसमें आप अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। इस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आपका रजिस्टर्ड नेम क्या है वो आपके सामने आ जाएगा, इसको आप चेक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड। इसमें आप एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप चाहें तो एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सबमिट। सक्सेसफुली आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए या तो आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिससे आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद लॉगिन। इसके बाद आपको रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। सब्सिडी मिलने तक कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे उनकी यहाँ पर देखिए आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पर आप अपना नेम डालेंगे जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर लिखा हुआ आता है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी चूज करेंगे, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है, किस एड्रेस पर आप सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होगी, तो यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाएगा। इसमें आप डिवीजन चूज करेंगे, अगर कोई सब डिवीजन है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने कंज्यूमर अकाउंट नंबर आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं आपका कनेक्शन कितने किलोवाट का है। नीचे आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ जाएगी, अगर आप चाहें तो इनको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सोलर रूफटॉप की डिटेल्स फिल करनी होगी। इसमें आप कैटेगरी चूज कर लेंगे, जिस एड्रेस पर आप लगवा रहे हैं वो रेजिडेंशियल है या रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, कितने कैपेसिटी का आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। जैसे कि अगर आपको 2 किलोवाट का लगवाना है तो 2 एंटर करेंगे, 3 का लगवाना है तो आप यहां पर 3 एंटर करेंगे। अगर आपने पहले से कोई सोलर प्लांट लगवाया हुआ है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसमें आपको एक कैलकुलेटर भी मिल जाएगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाने के लिए आपको कितना खर्चा करना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगी कि आपको कितना खर्चा करना होगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसे कि मुझे 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना है तो इसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट इतनी रहेगी, इसमें से 78,000 रुपीस की सब्सिडी मिल जाएगी और इतना पैसा मुझे अपने पास से खर्च करना होगा। इससे आप कितने पैसे बचा सकते हैं, कितना रूफ टॉप एरिया इसके लिए आपको चाहिए वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये कैलकुलेटर भी मिल जाता है, इससे आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लोकेशन पॉइंट करनी होगी, किस लोकेशन पर आप ये सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं। इसमें आप अपनी प्लेस का नेम एंटर करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने लोकेशन आ जाएगी, इसको आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और जिस लोकेशन पर भी आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं उस पर जाकर आप इस तरह से टिक करेंगे तो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो पिछले 6 महीनों में से आप किस
किसी भी महीने का बिल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसको आप स्कैन कर लेंगे और पीडीएफ बना लेंगे। पीडीएफ का साइज 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। ओके, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी, जिसमें आपको सब्सिडी लेनी है। इसके लिए आप यहां सबमिट बैंक पर क्लिक करेंगे। इसमें आप बैंक का नेम डालेंगे, IFSC कोड एंटर करेंगे, यहां पर अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर आप यहां पर डाल देंगे। प्रूफ के लिए आपको कोई कैंसिल चेक, बैंक की पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट यहां पर अपलोड करना होगा। अगर आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो यहां पर टाइप कर देंगे। इसके बाद सबमिट, आपकी बैंक डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा लेंगे। रजिस्टर्ड वेंडर चेक करने के लिए आप यहां वेंडर्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपने स्टेट का नेम एंटर करेंगे, किस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास कितने रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनकी संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। तो जिस कंपनी से आपके पास बिजली आती है उसके सामने आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको उस कंपनी के सभी रजिस्टर्ड वेंडर्स की यहां पर एक लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी पर ईमेल करके आप उनसे सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस आपको सब मिल जाएगा। उनसे आपको अपने एड्रेस पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा लेना है। सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाने में जितना भी खर्चा होगा वो आपको अपने पास से पे करना होगा। सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाने के बाद आपको इसी पोर्टल पर लॉगिन करना है और आप यहां सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन की डिटेल सबमिट करके आप नेट मीटर के लिए यहां से अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपको अपनी इंस्टॉलेशन डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके एड्रेस पर नेट मीटर लगा दिया जाएगा, साथ ही इंस्पेक्शन होगा। नेट मीटर इंस्टॉल होने के बाद कमीशनिंग रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और उसके बाद आपकी सब्सिडी सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जितने किलोवाट का भी आपने सोलर प्लांट लगवाया है उसी के अकॉर्डिंग सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आएगी। जैसे कि अगर आपने 2 से 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया है तो 78,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जितने भी स्टेप्स आपके कंप्लीट होते जाएंगे इस तरह से आपको ग्रीन टिक मिलता जाएगा। किसी भी टाइम आप इस पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने एड्रेस पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा कर आप फ्री की बिजली और गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।